तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारी चैनल पेट्सोल्स में और हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं लैब्राडोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट डॉग क्यों रहेगा। आए आप बड़े घर में रहते हो, छोटे घर में रहते हो, आपके घर में ज़्यादा जन है कम है, तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट डॉग आपके लिए लैब्राडोर क्यों है। तो फिर करते शुरुआत। तो दोस्तों, लैब्राडोर्स जो होते हैं वो सबसे बेस्ट फैमिली डॉग्स होते हैं। ये जल्दी से कुछ भी सिखाओ तो सीख लेते हैं और इनमें ज़्यादा मेंटेनेंस का भी खर्चा आता है नहीं। तो हम आपको अब बताएंगे कि लैब्राडोर इतना ज़्यादा फेमस क्यों है और सब जन लैब्राडोर को क्यों लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लैब्राडोर को लेने का ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते हैं और वो इतने क्यूट होते हैं कि कोई किसी का भी दिल बहल जाएगा उनको देख के। और सेकंड पॉइंट ये आता है उनको लेने के मामले में कि उनका जो प्राइस होता है वो मीडियम रेंज में होता है, यानी कि 6 से 12 हज़ार तक, बल्कि कुछ लैब्राडोर्स होते हैं कि जो 20-20 हज़ार तक जाते हैं, पर वो हाई रेंज के होते हैं और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर लैब्राडोर के मंथली खर्चे की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 हज़ार तक आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। और वो घर के खाने पे भी उनका काम चल जाता है और उनको हेल्दी बनाया जा सकता है। लैब्राडोर लेने का अगला बेनिफिट ये होता है कि लैब्राडोर को जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी से ट्रेन किया जा सकता है और वो कोई भी बात जल्दी से मान लेते हैं। उनको ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और उनको घर पर भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। लैब्राडोर जो होते हैं वो बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं, उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं और उनको बच्चों का ध्यान रखना भी आता है। और अगर उनको आप बच्चों के साथ अकेले भी छोड़ देते हैं तो वो उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे और उनके साथ खेलेंगे और अच्छे से रहेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना कि जो शुरुआत शुरुआत में होते हैं उनको वहाँ पर कोई बड़ा होना ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि ये उनको हार्म नहीं करेंगे और बच्चे उनके साथ अच्छे से रहेंगे। तो अगला पॉइंट यह है दोस्तों कि लैब्राडोर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और सबके साथ अच्छे से मिल जाते हैं। और अगर आपके घर में कोई आता है तो आपको बार्क करके अलर्ट भी कर देंगे। और ये जिनका एक बेनिफिट है कि अगर आपको कोई हार्म करने की कोशिश करता है तो उन पर अटैक भी कर सकते हैं। ये वैसे तो गार्ड डॉग है नहीं, पर अगर इनको आप अच्छे से ट्रेनिंग दें तो ये गार्डिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं और अंदर आने से रोक लेते हैं। अब बात करते हैं लैब्राडोर की हेल्थ की। लैब्राडोर की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है और ये गर्मी में और सर्दी में काफ़ी अच्छे से अडाप्ट कर लेते हैं। लैब्राडोर इंडियन वेदर के लिए काफ़ी अच्छा सूटेबल डॉग है और इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बस एक बात ध्यान रखना कि उनको गर्मी में थोड़ा ठंडी जगह में रखें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि ये बीमार ना पड़े और इनको स्किन प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको पता ही होंगे कि लैब्राडोर्स को सर्च एंड रेस्क्यू में और कोई चीज़ को ढूंढने में, बॉम्ब स्क्वाड में भी कोई ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा कि अगर कोई आपकी चीज़ खो जाती है तो ये लैब्राडोर्स उनको ढूंढ सकेंगे उनका स्मेल करके। या फिर आपके घर में अगर ज़्यादा बच्चे हो, मस्ती करते हो, तो उनके साथ भी लैब्राडोर्स काफ़ी अच्छे से रहेंगे और उनका भी एंटरटेनमेंट होगा और लैब्राडोर को भी अच्छी खासी एक्सरसाइज मिलती रहेंगी। पर लैब्राडोर लेने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि आप उनको दिन में 1 या 2 बार तो भी वॉक के लिए ज़रूर लेके जाएं। लैब्राडोर्स अमेरिकन केनल क्लब के हिसाब से, यानी कि AKC के हिसाब से 28 सालों से नंबर 1 पे बने हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे होते हैं। और आप तो वीडियो देख ही रहे, आपको पता होगा कि ये इतने अच्छे क्यों होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर से करना और इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर से कर देना। और ये वीडियो सबको पहुंचनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि लैब्राडोर सबसे बेस्ट क्यों होते हैं।